हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया की सब्ज़ी, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, आप में से जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर 80% से ज़्यादा लोग जो देखने वाले हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले, वो भी फ्री में। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने लोबिया लिया है, इसे मैंने रात को सोक करके रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुका है, जितना भीगना था भीग चुका है ये। अब मैं इसको बॉयल करने के लिए कुकर में ऐड कर दूँगी। तो देखिए, मैंने लोबिया सारा कुकर में ऐड किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और पानी डाल कर के हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। 3 सीटी आने के बाद इसे मैं स्लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी 10 मिनट, और उसके बाद जब इसका स्टीम रिलीज हो जाएगा तो फिर देखिए लोबिया बहुत अच्छे से गल चुकी है। और अब हम इसका तड़का स्टार्ट करते हैं। तीन टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, आधा चम्मच ऐड करेंगे जीरा, और ये एक प्याज ऐसे चॉप किया है मैंने। लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये 3 टुकड़े सूखी मिर्च। पहले अगर हम इसमें डाल देते तो ये जल जाते, इसलिए इसको थोड़ा रुक के डाला है मैंने। बहुत सिंपल तरीके से तड़का लगाएंगे, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी सब्ज़ी में अगर ज़्यादा मसाले डालते हैं तो उसका जो अपना खुद का टेस्ट है ना, वो दब जाता है। तो इसी वजह से हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बस एक छोटे से मैं और अभी ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, 2 बड़े साइज के टमाटरों का पेस्ट है ये, इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जार को खंगाल के, और इसको अब हम भून लेंगे 1 मिनट तक। तो देखिए 1 मिनट हो गया इस टमाटर को ऑयल में भूनते हुए, और अब इसमें थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, और आधा चम्मच जीरा पाउडर। बस यही मसाले जाएंगे इसमें, और इसको कुछ देर और अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है हमारा। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम लोबिया, और अपने जरूरत के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें, थोड़ा
थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पानी काफ़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं चाहिए, पर कुछ देर पकाएंगे इसलिए थोड़ा सा इसको अब इसको ढक के पका लेंगे 5 मिनट तक। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए और हमारी लोबिया की सब्जी बनके तैयार है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और गार्निश करेंगे इसको हम धनिया की पत्ती से। और अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा हमारी लोबिया का फाइनल लुक। लोबिया काफ़ी यम्मी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी और फ़ायदेमंद भी बहुत है। इसमें प्रोटीन बहुत हाई प्रोटीन होता है और टेस्टी भी उतना ही होता है ये। तो ये रहा फाइनल लुक। थोड़े से धनिया की पत्ती से गार्निश कर देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स लोबिया की सब्जी बनके तैयार है। तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है सब्जी हमारी। देखने में मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बनी है और एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी कुकिंग विद तरु। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।